हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू धीमान राजेश धीमान यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आज हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, ये इसको सॉल्व करना है हमने और इसके बराबर प्रूव करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने डिटरमिनेंट को डेल्टा के बराबर लिख लिया और उसके बाद हम कुछ ऑपरेशंस करेंगे। तो हम देखते हैं, पहली रो में ए ए ए है, दूसरी में बी 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 है और तीसरी में सी सी एंड सी है। तो हम कॉमन ले लेंगे पहली रो से ए, दूसरी से बी, तीसरी से सी। टेकिंग कॉमन ए बी एंड सी फ्रॉम आर वन आर टू एंड आर, तो फिर डेल्टा आ जाएगा। हम ए बी सी बाहर लिखना पड़ेगा हमें, और फिर पहली रो से यहां से ए स्क्वायर प्लस वन है तो यहां से a कॉमन लेंगे तो a बचेगा, लेकिन प्लस वन में से a कॉमन लेंगे तो वन बाई a बचेगा, ऐसे a प्लस वन बाई a। यहां से a कॉमन लेंगे तो b मिलेगा, यहां से a कॉमन लेंगे तो c मिलेगा। सेकंड रो से b कॉमन लेना है हमने, तो सेकंड रो से b कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा a। अब यहां से b कॉमन लेंगे तो b बचेगा और यहां से b कॉमन लेंगे तो वन बाई b बचेगा, तो ये मिलेगा हमें b प्लस वन बाई बी। अब यहां से b कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास सिर्फ c बचेगा। इसी तरह से थर्ड रो से c कॉमन लेके हमारे पास सिर्फ a बचेगा, एंड यहां से c कॉमन लेंगे तो b बचेगा, और यहां से c स्क्वायर से c कॉमन लेंगे तो c, और प्लस वन में से c कॉमन लेंगे तो वन बाई c बचेगा। अब उसके बाद हम अगर a से ये काम कर दे, मतलब a माइनस ए तो a a कट जाएगा, उसी तरह से b से ये काम कर दे तो b भी जीरो हो जाएगा, वन बाई बी बचेगा, c c जीरो बनेगा। हमें इस रो से माइनस करके एक जीरो मिलेगी। इसी तरह से हम थर्ड रो से फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b माइनस बी जीरो मिल जाएगा, एक और जीरो मिल जाएगी। मैं लिख देता हूँ ऑपरेशंस। अब देखिए, सेकंड रो से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे ये सब्ट्रैक्ट करेंगे और थर्ड से भी फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। रिजल्ट लिखेंगे सेकंड में और थर्ड में। इसका मतलब ये हुआ कि हमें फर्स्ट रो एज इट इज लिखनी है। अब सेकंड रो माइनस फर्स्ट, तो ए माइनस ए जीरो हो जाएगा, यहां से बचेगा हमें माइनस वन बाई ए। और फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे माइनस करने का पता नहीं लग रहा है तो आप साइड में कर सकते हैं। यहां से b प्लस वन बाई बी माइनस बी, तो b और b कैंसिल हो जाएगा, यहां से हमें मिलेगा माइनस वन बाई बी। अब c माइनस सी जीरो हो जाएगा। इसी तरह से अब हम थर्ड रो माइनस फर्स्ट रो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो थर्ड रो से ये माइनस करेंगे तो ये माइनस लग जाएगा, यहां माइनस लग जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा माइनस वन बाई ए। यहां से b माइनस बी जीरो मिलेगा, फिर c प्लस वन बाई सी से c और c कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा वन बाई सी। और हमने b प्लस वन बाई बी से ये सब्ट्रैक्ट किया तो ये वन बाई बी पॉजिटिव बचेगा, ये प्लस। फर्स्ट कॉलम को a से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये कैंसिल हो जाएंगे, और b सेकंड कॉलम को b से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से थर्ड कॉलम को c से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट कॉलम को a से मल्टीप्लाई किया, सेकंड कॉलम को b से मल्टीप्लाई किया, थर्ड कॉलम को c से मल्टीप्लाई किया। तो हमें जब हम सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें बाहर भी लिखना पड़ता है, क्योंकि उसको एडजस्ट करने के लिए यहां पर हमें वन बाई ए, वन बाई बी, वन बाई सी लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास ये मिलेगा ए बी सी, तो पहले से है, यहां इसको एडजस्ट करने के लिए ए, बी को एडजस्ट करने के लिए बी, और सी को एडजस्ट करने के लिए सी। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉलम को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस वन, ए स्क्वायर प्लस वन, और यहां माइनस वन, और यहां फिर माइनस वन। इसी तरह से यहां बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहां बी स्क्वायर, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो वन, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो। इसी तरह से थर्ड कॉलम में सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा सी स्क्वायर, फिर जीरो, अब यहां वन। अब देखिए, हमारे पास यहां भी जीरो आ गई है, यहां भी जीरो आ गई है। अब हम एक्सपेंड करेंगे थ्रू सी वन। मैं लिख देता हूं यहां पर।
अब मैं एक्सपेंड कर रहा हूं अलोंग कॉलम नंबर 1, तो यहां तो 1 है पहले से ही, इसका मतलब हमें 1 प्लस ए स्क्वायर मिलेगा, और फिर एक डिटर्मिनेंट बिल्ली मिलेगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट होके यहां से मिलेगा हमें 1001, फिर यहां से -b² और फिर एक डिटर्मिनेंट वैल्यू मिलेगी इस रो को एलिमिनेट करके, इस कॉलम को एलिमिनेट करके, मतलब -10 -1 और ये 1। अब यहां से लास्ट c², तो ये रो एलिमिनेट हो जाएगी, ये कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा, तो -1 1 मिलेगा, -1 1 एंड -1 0। अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, 1 प्लस a² इंटू यहां से 1 -0, तो 1 मिलेगा, आगे करने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, -b² यहां से मिलेगा, -1 -0, तो सिर्फ -1, यहां -1 है पहले से ही, तो मैं +1 लिख देता हूं, और यहां से +c², यहां से -1 इंटू 0 -1 इंटू -1, तो यहां से हमें मिलेगा +1, मतलब c². अब हम इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं, तो 1 प्लस a² +b² +c², और यही हमारा राइट हैंड साइड है, यही हमने प्रूव करना है। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट रो से ए कॉमन ले लिया, फिर सेकंड रो से बी कॉमन ले लिया, और लास्ट रो से सी कॉमन ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया, यहां पर सेकंड रो को फर्स्ट रो से सब्ट्रैक्ट किया, फिर थर्ड रो को फर्स्ट रो से सब्ट्रैक्ट किया, और आंसर लिखा सेकंड रो एंड थर्ड रो में, तो हमें क्या मिला ये। उसके बाद हमने फर्स्ट कॉलम में, ध्यान रखना है, अब पहले यहां तक हमने रो में किया था, अब कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में हमने ए से मल्टीप्लाई किया, सेकंड कॉलम में बी से मल्टीप्लाई किया, और थर्ड कॉलम में सी से मल्टीप्लाई किया, जिससे क्या हुआ हमें एडजस्ट करने के लिए यहां पर ए बी और सी से भी डिवाइड करना पड़ा। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है फ्रेंड्स, ए एंड बी एंड सी से डिवाइड करना पड़ा, उससे ए बी सी और ए बी सी कैंसिल हो गया। जब हमने डिवाइड किया ए बी सी से, यहां से कैंसिल हो गया, अब यहां क्या मिला हमें a² + 1, इसी तरह से यहां पर b² c² और यहां पर ये मिला। अब हमने एक्सपेंड किया इसको अलोंग कॉलम 1, आप किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, तो उसके बाद हमारे पास आंसर मिल गया। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो डिटरमिनेंट को सोल्व करने के बारे में, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो इस वीडियो से बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। आप हमारी मैथमेटिक्स की वेबसाइट www.dhimanrajeshdhiman.com भी विजिट करें इसी तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के ट्रिक्स जानने के बारे में। धन्यवाद।